पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नना। 2020 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही है और इसी क्रम में चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। लगातार सीएम नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं से कल से मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। जो कल व्यक्ति नहीं मिल पाए थे, जो भी कल कार्यकर्ता, जो भी कल टिकट के दावेदार जो नहीं कल मिल पाए थे, वो आज फिर से नीतीश कुमार से मिलने का काम कर रहे हैं, अपनी समस्या को रखने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो जहां से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं वो भी वहां पे बात रख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार सभी की बातों को सुन रहे हैं। लगातार एक एक करके जो कार्यकर्ता है वो अंदर सीएम नीतीश कुमार से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। हम आपको और एक एक करके लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, कि इन बातों को लेकर के वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं और क्या उनकी क्षेत्र में समस्या है, क्या कुछ है, वो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में यहाँ पे हुजूम जुटा हुआ है और यह हुजूम सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और लगातार लोग जो हैं वो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता से मिलने का जो है वो कार्यक्रम लगातार जारी है। आइए हम कुछ लोग से बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम गया जिला से आए हैं। क्या बात होगी आज? अभी तो हम से मुलाकात नहीं हुए हैं। क्या बात रख कर कीजिएगा आप? बात तो रखेंगे कि हम जैसा वजीरगंज विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं जी। आप टिकट का दावेदार जी? तकरीबन जी। आप बताइए, आप किस चीज के लिए समस्या को लेकर के आए हैं? कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से। पूर्णिया से किन बातों को लेकर के आप मिलने वाले हैं? संगठन से के मजबूती के लिए मिलने आए हैं जी। क्या अभी बातचीत हुई है या फिर अभी आप लाइन में लगे हैं? मैं लाइन में लगे हैं, हमारा समय दिया हुआ है। संगठन के मुद्दे पर बात करनी है और चुनावी रणनीति पर बात करनी है। आपके क्षेत्र में किस तरह की तैयारी हो रही है सर? अच्छी तैयारी है। हम लोग 12 मास 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। चुनौती तो बहुत बड़ी है सर आप लोगों के सामने। कहीं वहाँ कोई चुनौती नहीं है, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े किसी के चक्कर में। तो ये देखिए नेताओं के कार्यकर्ताओं के, सर कहाँ से आ पाए हैं? हम पटना से आए हैं, बख्तियारपुर विधानसभा से। क्या टिकट के लिए? टिकट के लिए। तो यहाँ पे हम ज्यादातर लोगों से बातचीत किए, वो टिकट के लिए ही आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम फुलपरास विधानसभा से आए हैं, 39 फुलपरास और 38 झंझारपुर। पिछले बार मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, इस बार फुलपरास से लड़ना है। हमें नीतीश जी का आशीर्वाद है। हमें टिकट का दावेदारी के लिए आए हैं जी? टिकट का दावेदारी के लिए नहीं, टिकट लेने के लिए आए हुए हैं जी। मेरा नाम अनूप कश्यप हुआ, झंझारपुर 38 से हूँ और मैं पार्टी का मतलब इस बार चुनाव लड़ने के लिए, खास करके क्योंकि लगातार जदयू ही वहाँ से जीते आ चुका है। गठबंधन भी रहा जब राजद का, उसमें भी जदयू का ही, क्योंकि वहाँ से बीजेपी हरा हुआ था और मैं अपना कैंडिडेट झंझारपुर से दावा करके माननीय मुख्यमंत्री से कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम झंझारपुर के लिए जदयू का ही सीट मांगने चाहते हैं। सबसे पहले हमारा परंपरा सीट है, हम जदयू का ही सीट चाहिए हमें। यहाँ पे ज्यादा तो लोग जो है सीटों की दावेदारी के लिए हैं, जो वो बात करने के लिए आए हैं। तो हम एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो गार्ड मौजूद है, एक एक करके लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए। तो ये यहाँ की तस्वीर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। आप हाथ छोड़ दीजिए, क्या बात करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार से? माननीय नीतीश कुमार को हम अपने पंचायत के बारे में, अपने देश के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जो हमारे हाँ अपने समस्या को निदान चाहते हैं उनसे। समस्या अनेकों प्रकार के हैं, वो जो उनसे ही हम मिलके बताएंगे। दिया गया है आपसे जी? जी जी, हम लोगों को समय दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना निजी समय निकाल के हम लोग को दिया। बहुत बहुत उनका हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप बोल दीजिए बाबा, आज बोल दीजिए। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो मसौढ़ी विधानसभा 189 से जो एक्टिव कार्यकर्ता हों, जो सक्रिय कार्यकर्ता हों, जो उस इलाके में रात दिन लगा हुआ है, उनको टिकट दें। उसमें नाम अभी आ रहा है एक दयानंद पासवान, जो मसौढ़ी कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उनका नाम है, जो कि पंचायत स्तर तक संगठन उन्होंने बनाया है। मैं निवेदन करूंगा कि दयानंद पासवान को दें, यही मेरा नाम। हम तो मधुबनी जिला की फुलपरास विधानसभा से आए हैं, हम भी अपना आवेदन दिए हैं, समझिए। वहाँ भी हम प्रदेश महासचिव हैं पार्टी में,
और हमारी मांग है कि मुझे टिकट दे की दावेदारी के लिए। जी 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 क्या कुछ बात आप अंदर से आपको आदेश दिया गया है? जी जी मिले तो यहाँ पे जो भी लोग जो है वो ज्यादातर लोग जो है टिकट के दावेदारी के लिए आ रहे हैं, अपनी समस्या को रखने के लिए आ रहे हैं। लगातार सीएम नीतीश कुमार दो दिन से कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री है वो यहाँ पे मौजूद है और सभी की बातों को यहाँ पे सुना जा रहा है। अब देखना यही होगा कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ पड़ता है, क्या बिहार में बदलती तस्वीर सामने आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।